तो गाइस रात के बज चुके 12 तो और गेम के अंदर अवेलेबल हो चुका है वन एंड ओनली चोमूसा फेटल बोया पास जिसमें बात कीजिए बंडल की, तो भाई साहब फीमेल की बंडल तो इतनी ओपी निकल कर सामने आई है कि गोल्ड रॉयल में भी आ जाना तो बंदे फुल्ली इग्नोर मार दे। एंड बाकी का आइटम कैसे है चलो पता लगाते हैं इस वीडियो पे, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो पे हम लोग करोड़पति से बनने वाले हैं भिकमंगापति। तो कांग्रेचुलेशंस आप लोग का इस वीडियो पे आने के लिए, एंड जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। देखा धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो चलो सबसे पहले बोया पास को किया जाए अपग्रेड। तो यार हम लोग परचेस करने वाले 999 का ये बोया पास, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 50 लेवल मिल जाएगा, ताकि हम लोग को थोड़े कम लेवल परचेस करने पड़ेंगे एंड सारे के सारे आइटम हम लोग अनलॉक कर लेंगे। तो चलो जल्दी से यही से इस वाले बोया पास को परचेस किया जाए। एंड चलो ये बोया पास तो हम लोगों ने परचेस कर लिया है, तो हमारा टोटल लेवल हो चुका है 54। एंड यहाँ पर यार मैं लेवल को अपग्रेड करने से पहले मेल का बंडल भी देखना चाहूंगा। तो ये रहा मेल का बंडल, यार क्या बंडल बनाया यार इन लोगों ने, फीमेल से भी खतरनाक है ये मेल बंडल। एंड कस्टमाइज में चलते हैं और देखा जाए। चलो चला जाए कस्टम वाले सेक्शन के अंदर। एंड यहाँ पर अबे भाई ये क्या दिया इन लोगों ने, अबे ये क्या है, हेलो। अच्छा हेयर स्टाइल इन लोगों ने चेंज किया है, यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 1 पे हेयर स्टाइल कुछ ऐसा रहेगा। ओके इसमें चलते हैं। चलो ये थोड़ा ठीक ठाक है, व्हाइट कलर का नॉट बैड यार, ये थोड़ा सा सही लग रहा है, इसका बॉडी पार्ट मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है। एंड ये तो लिटरली भाई क्या बनाया लोगों ने समझ नहीं आ रहा मेरे को इस सीजन का लिट पास बिल्कुल पसंद नहीं आया, खत्म हो गया भैया मैटर। तो चलो जल्दी से लेवल को भी अपग्रेड किया जाए। तो हमारा लेवल था 54 एंड हमें करना है 170 लेवल, ताकि हम लोग सारे के सारे ओपी रिवॉर्ड को अनलॉक कर पाए। एंड मैं आप लोगों को दिखा पाऊ सारे के सारे रिवॉर्ड। उसके बाद यार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे अगर आप लोग को इस लिट पास को नंबर देना हुआ तो 10 आउट ऑफ आप लोग कितना देना चाहोगे, 3, 4, 6, 8 ये जरूर बताना। तो बेसिकली मैं ये बोया पास वाली कार्ड लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से हम लोग को 50 लेवल मिल जाएंगे 499 डायमंड में, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है, दैट्स व्हाई। तो यहाँ से हम लोगों ने इस वाले कार्ड को ले लिया है, ओपन कर लेते हैं। एंड 50 लेवल हमारा बढ़ भी चुका है, ये सही है यार, पैसा ही पैसा होगा। तो टोटल हमारा लेवल हो चुका है 104। एंड यहाँ पर अभी भी हम लोग नहीं रुकने वाले हैं, चलो एक और बार इस वाले कार्ड को परचेस करके ओपन किया जाए। एंड नाउ हमारा लेवल हो चुका है 154, क्या बात है, एक और बार गाइस अगर हम लोगों ने परचेस कर लिया तो यार हमारा लेवल हो गया 204। ओए बाबा ओए 204 लेवल हो गया यार, यही से सही है यार। एंड साथ में हम लोग को टोटल 54 क्रेट्स मिले हुए। एंड इन क्रेट के अंदर से क्या मिल रहा है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो अभी हम लोग दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल इस वाले क्रेट को हम लोग ओपन नहीं करेंगे एंड पीछे से ही क्लेम करना स्टार्ट करते हैं यार। तो हम लोग को मिल चुका है सबसे पहले ये कॉर्ड वेपन की स्किन, भाई काहे का लेजेंडरी है भाई, ये तो कोई यूज भी नहीं करता, कैसे कैसे वेपन की स्किन दे रहे यार यहाँ पर, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई। इसके बदले M14 पड़ी हो ना, तो इस गन को छोड़कर बंदे M14 लेंगे, इतना जॉड है ये गन, बताओ यार कुछ भी दे रहे यार इधर। एंड साथ में ये क्रेट मिला है, इसके अंदर से मिलेगा टोकन, भाई कितने हरामी है यार, 3 टोकन दिया है गाइस इन लोगों ने। एंड फिर से क्रेट मिला है, चलो देखते हैं इस बार कितना मिलता है, फिर से 3 टोकन। ओके ओके ये कुछ इंटरेस्टिंग है, हम लोग को ओपी से इमोट मिली है, चलो जल्दी से इक्विप करते हैं एंड देखा जाए ये इमोट कैसा है यार। चलो चलते हैं वॉल्ट वाले सेक्शन के अंदर। ये रहा हमारा इमोट, कहां गया इमोट, ये रहा इमोट, अरे इमोट तो सही लग रहा है, ओए होए होए इमोट सही है यार, लेकिन इसके साइड में जो एनिमेशन है बहुत टट्टी आ रहा है, थोड़ा सा इसके एनिमेशन को सही करना चाहिए था। तो चलो जल्दी से इसको यहाँ पर रख लेते हैं। एंड यहाँ पर ओके यार एनिमेशन थोड़ी सी सही करनी चाहिए थी, जो स्टिकर डाला हुआ ना इन लोगों ने थाउट के बीच पे, स्टिकर की जो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी करनी चाहिए थी, बट ठीक है इमोट नॉट बैड नॉट बैड, बुया पास के हिसाब से इमोट मेरे को अच्छा लगा। ये क्या है भाई, अबे ये क्या देते हो तुम लोग, अबे बुया पास है कुछ तो ढंग का दो आइटम दो भाई, कभी बैड दे रहे कभी टट्टी सी वेपन की स्किन दे रहे, कुछ तो ढंग का दिलाओ यार। फिर से गाइस हमारा कट चुका है, पहले 3 था अब 4 हुआ, 5 हम लोग को मिल रहे टोकन, ठीक है चलो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है हमारी, इस बार देखते कितना टोकन मिलता है भाई। फिर से भाई प्रमोशन से सीधा डिमोशन हो गया यार, फिर से टोकन हम लोगों का मिले। एंड चलो अभी इन लोगों को स्किप करते हैं, सीधा चलते हैं बंडल के अंदर। एंड यहाँ पर सबसे पहले बंडल को ओपन किया जाए, फास्ट इक्विप करते हैं। एंड ये लोग गाइस वन एंड ओनली हमारे छपरी के चाचा अवेलेबल हो चुके हैं आप लोगों के लिए, तो गाइस जूतो एंड चप्पल से स्वागत किया जाए हमारे के चाचा का। भाई सीरियसली यार कुछ ज्यादा ही जोड़ लग रहे हैं हमारे के चाचा, चलो जल्दी से चलते हैं सारे के सारे आइटम को फटाक से क्लेम किया जाए। यार एक चीज पता नहीं मेरे को इस बुया पास की पसंद नहीं आ रही, जब भी मैं किसी आइटम को क्लेम कर रहा हूँ ना तो वो फर्स्ट वाले सेक्शन पे फिर से चला जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो चलो जल्दी से क्लेम ऑल कर लेते हैं, एक सेकंड। अबे ये करेक्टर गाइस, ये बंडल ये करेक्टर है, एक सेकंड लेट सी। ओके ये करेक्टर यार, ये करेक्टर बुया पास के अंदर क्या कुछ भी कैसे माल आ गया आ गया आ गया यार, इसको हम लोग बाद में ओपन करेंगे एंड मैक्स भी करेंगे, फिलहाल के लिए बैक कर लेते हैं एंड यहाँ से जितने रिवॉर्ड मिल रहे हैं उसको ले लेते हैं। ओके यहाँ पर ये सस्ती सी हम लोग को स्पोर्ट्स कार की स्किन भी दी जा रही है, नॉट अ बैड डील, सही है। और क्या दिया जा रहा है हम लोग को, ओके ये अवतार है,
तो ये वाली अवतार मैं इक्विप कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है। आई मीन टू से बैनर, माफ करना अवतार बोला मैंने तो। ओके एंड यहाँ से यार ये सारे आइटम्स वैसे हम लोगों को शुरू से भी पसंद नहीं है एंड आज भी पसंद नहीं आ रहे, तो इन दोनों में से ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, मैं इसको रखूँगा, ग्रीन कलर का है। चलो ये चीज़ सही है, जितनी भी थीम आई है ना इस बार ग्रीन कलर की आई है। बस यार बंडल थोड़ा सा ढंग का देता ना ये लोग और भी मज़ा आता भाई, एकदम कतई में बता रहा हूँ छपरियों से भी ज्यादा छपरी बंडल है यार ये, एकदम पसंद नहीं आया मेरे को भाई, मुंह की बात छील ली। और यहाँ पर बाकी फुद्दू आइटम तो मिलते ही रहेंगे ये तो पता ही है। एंड यहाँ पर हम लोग को मिल चुकी है वेपन रॉयल, वाचर भी हमारे पास 10 हो चुके हैं, चलो इसको भी बर्बाद करेंगे। अबे ये भी 15 है, ये भी बर्बाद करेंगे, सही है यार। ओके ग्रेनेड की स्किन कैसी है? चलो ग्रेनेड की स्किन की एनिमेशन बहुत सही है, एनिमेशन पसंद आई, इसी को फिलहाल के लिए हम लोग एक्टिव कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, लूट बॉक्स, ठीक है इतना भी कुछ खास नहीं है हमारा लूट बॉक्स। एंड बैकपैक है ना ये, हाँ बैकपैक भी कुछ खास नहीं है, बैकपैक को भी इग्नोर मारो, फुल इग्नोर। एंड साथ में क्रेट्स मिलना स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर आई थिंक सो हमारा बायपास होता है खत्म। अबे खत्म हो जा, कितना टट्टी आता मिलाएगा। ओके ये परमानेंट मिल चुका है। एंड साथ में भाई ये क्वाड वेपन की स्किन कौन देता है यार, भाई लेजेंडरी दे रहे हो, कुछ तो डंका आइटम दिलाओ यार। तो ओवरऑल का इस बात की जाए इस फेटल फाउना बोया पास की, तो मेरे को कुछ भी यहाँ पर पसंद नहीं आया, बस ये इमोट थोड़ा सा सही लगा एंड साथ में ग्रेनेड की स्किन जो है वो थोड़ी सी सही लगी। बंडल इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि अगर हम लोग इतना ज्यादा डायमंड दे रहे, ऊपर से बंडल को अपग्रेड भी करना होता है, तो मैं तो चाहूंगा इससे ज्यादा अच्छा बंडल लाए एंड गईना वाले थोड़ा सा मेहनत करे, एटलीस्ट बंडल कुछ और भी ज्यादा जोड़ दे। बंडल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड ये फीमेल का बंडल तो भाई बिल्कुल नहीं पसंद आया। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस बंडल को लेके। अदरवाइज यार आप लोग अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप लोग इस फैटल फाउना बया पास को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे। और चलो यार चलते क्रेट वाले सेक्शन के अंदर एंड इस वाले करेक्टर को फटाक से अनलॉक करते हैं एंड अभी चलो देखते हैं इसकी एबिलिटी क्या है। अदर वाले सेक्शन पे चलते हैं एंड कहा गया हमारा क्रेट, करेक्टर वाली क्रेट किधर है? हेलो चाचा सुनो तो ये रही गाइस, चलो जल्दी से हमारे सेंटिनो चाचा को ओपन किया जाए। एंड यार इसका बंडल कितनी सेक्सी है यार, काश हम लोग और भी करेक्टर के साथ इसके बंडल को पहना सकते लिटरली यार, इस करेक्टर की जो बंडल है ना बहुत सेक्सी है यार, काश इस टाइप का बंडल ना और भी हम लोग को देखने को मिले गेम के अंदर। एकदम सिंपल, कोई एनिमेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा एनिमेशन नहीं, बहुत सही निकल कर सामने आया इस करेक्टर का बंडल। एंड बात की जाए एबिलिटी की तो चलते करेक्टर वाले सेक्शन के अंदर, तो मे बी आप लोग को इस करेक्टर की एबिलिटी पता होगी, ये कुछ अपना क्लोन टाइप का एक स्टैचू या फिर आप लोग डमी कह लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिलीज करेगा एंड उसकी एचपी होगी 200 और जितना दूर तक ये क्लोन जाएगा उतना दूर तक आप लोग टेलीपोर्ट हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कैच है गाइस, कैच ये है कि आप लोग 60 मीटर से ज्यादा टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। इट मीन कि अगर आपका जो क्लोन है जो आपने रिलीज किया है वो 60 मीटर से ज्यादा चला गया तो आप टेलीपोर्ट नहीं कर पाओगे एंड आपकी क्लोन की जो एबिलिटी है वो 200 एचपी रहेगी। तो अगर किसी एनिमी ने आपके क्लोन को तोड़ दिया तब भी आप लोग टेलीपोर्ट नहीं कर पाओगे। एंड बात की जाए इसकी कूलडाउन टाइम की, तो राइट नाउ इसके लेवल 1 पे कूलडाउन जो टाइम रखा गया है वो है 130 सेकंड्स एंड जैसे ही हम लोग इसको मैक्स तक अपग्रेड कर लेंगे तो इसका कूलडाउन टाइम आई थिंक सो लेवल 8 तक तो आ जाना चाहिए। चलो ये भी करके देख लेते हैं, तो हम लोग इस वाले करेक्टर को ना लेवल 6 तक मैक्स करने वाले हैं। फिलहाल इसके स्किल तो लेवल 6 तक ही होता है ना, हाँ आई थिंक सो। ओके लेवल 6 तक हम लोगों ने मैक्स कर लिया एंड ये करेक्टर भी मैक्स हो चुका है। चलो इसके एबिलिटी पे चलते हैं एंड यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो 80 सेकंड पे ये हर बार अपने एक्टिव स्किल को रिफ्रेश करेगा, एक्टिव स्किल को एक्टिवेट करेगा एंड हर 80 सेकंड में आप लोग 60 मीटर के अंदर कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हो, लेकिन एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि आप लोग 360 कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो पाओगे, जिस डायरेक्शन में ये डमी ट्रेवल करेगा उसी डायरेक्शन में आप लोग ट्रेवल कर पाओगे। तो यार करेक्टर भी बहुत सही है, बट इस करेक्टर का बंडल यार पता नहीं क्यों मेरे को बहुत सेक्सी लग रहा है यार, बहुत सेक्सी लग रहा है। बट गाइस अभी हम लोगों ने जिस बंडल को बया पास से लिया है इसको अपग्रेड भी तो करना बनता है ना, तो फास्ट इक्विप कर लेते हैं एंड कितने क्रेट मिले हम लोग को लेट्स सी देखा जाए। एंड इन क्रेट्स के अंदर से हम लोग इसको अपग्रेड भी करेंगे, तो टोटल 4 क्रेट मिले, ओपन कर लेते हैं। और यहां से गाइस हम लोग को टोटल मिल चुके हैं 36 टोकन, नॉट अ बैड डील। अगर मैं यहां से 10 क्रेट को ओपन कर लूं तो आई थिंक सो लेवल 2 तक तो हम लोग इस बंडल को लेकर जा ही सकते हैं। लेट्स सी देखा जाए एक बंडल को अपग्रेड करने के लिए हम लोग को टोटल कितने टोकन देने पड़ रहे हैं। ओके तो लेवल 2 पे जाने के लिए हम लोग को 60 टोकन चाहिए, इट मीन कि 9 टोकन हम लोग को और चाहिए होगी। एंड यार हम लोग को ज्यादा टोकन तो नहीं मिले इस क्रेट के अंदर से, लेकिन गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे इस क्रेट के अंदर से, ये कौन सा सीजन है मेरे को याद तो नहीं आ रहा यार, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बट ये जो बंडल है हमारे पास पहले से अवेलेबल है एंड जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ किन किन लोगों के पास ये बंडल पहले से अवेलेबल है। यार जिस टाइम पर ये बंडल आया था ना तो मेरे को ठीक ठाक लगा था, बट कह सकते हो ओल्ड हो गया है तो मेरे को पहले से थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग रहा है ये बंडल। एंड ये बंडल तो भाई अभी भी गोबर है ये बंडल तो अभी जो व्यापार आया ना उससे भी गोबर है।
इमोशनल डैमेज। एंड टोटल हम लोगों को कितनी टोकन चाहिए थी इस वाले बंडल को अपग्रेड करने के लिए, चलो देखा जाए। फिर से चलते इस वाले सेक्शन के अंदर एंड कस्टमाइज में चलते हैं। तो टोटल हमें चाहिए ओके 60 टोकन एंड हमारे पास 51 टोकन है। तो भैया हमारे इस सफरी बंडल को भी अपग्रेड करने के लिए हम लोग को टोकन देने पड़ेंगे। यार बताओ यार कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई दुनिया में यार। चलो गाइस यहाँ पे जितने भी हमारे पास क्रेट थे सारे के सारे क्रेट को ओपन करते हैं। एंड यार यहाँ पर एक क्रेट है ना मेरे को चाहिए, और वो है ये माल भाई, गोल्डन कलर की बहुत सी पायरेट की शिप है, और आप लोगों को पता होगा स्काइविंग है ये, तो मेरे को बहुत पसंद है, तो मेरे को ये चाहिए। लेट्स सी देखते क्या होता है, क्या हम लोगों को 44 क्रेट में बस टोकन ही मिलते हैं या फिर ये जो स्काइविंग है वो भी मिलेगी। एंड यार जब छपरी बंडल हम लोगों ने निकाल ही लिया तो छपरी बंडल को क्यों ना छपरी अल्ट्रा प्रो मैक्स बनाया जाए। तो वही अभी हम लोग करने वाले, ढेर सारे टोकन को कलेक्ट करेंगे एंड कितने छपरी गिरने वाले, साले एक एक टोकन दे रहे हैं छपरी बंडल के लिए भी, एक एक टोकन तुम लोग दे रहे हो अबे भाई। गाइस देख रहे हो छपरी बंडल को अपग्रेड करने के लिए लोग एक एक टोकन दे रहे हैं एकदम छपरी की तरह। भाई यार टोकन बहुत कम मिला हम लोग को। एंड लेट्स सी हम लोग इस छपरी बंडल को अपग्रेड करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला तो हम लोग इस वाले बंडल को लेवल 2 तक आराम से लेकर जा सकते हैं। चलो लेवल 2 तक हमारे ये छपरी बंडल आ चुका है। लेवल 2 पे ये बंडल कंपैरेटिवली इन दोनों से ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, आई डोंट नो व्हाई, बट इन दोनों के अकॉर्डिंगली मेरे को ये वाला बंडल को ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, लेवल 2 पे ये हमारा जो बंडल है वो आ चुका है। एंड इस वाले कैरेक्टर पर ये बंडल जज भी रहा है यार, और साथ में जो गन की स्किन मैंने पकड़ी है ना उसके अकॉर्डिंगली ठीक भी लग रहा है। बट यार ग्रीन कलर हमारा फेवरेट है, आई नो वो बंडल छपरी है बट क्या ही करे यार, अब ग्रीन कलर आ चुका है तो सवाल है ग्रीन कलर का। तो ऑब्वियसली हम लोग इसको भी अपग्रेड करने वाले, अनलॉक करने वाले, तो हम लोग को चाहिए होगी 150 टोकन। चलो जल्दी से अनलॉक कर लिया जाए, यहाँ से नहीं खरीदते यार, क्रेट ओपन करते हैं। क्रेट ओपन करने से फायदा ये होता है ना थोड़ा सा डिस्काउंट भी लग जाता है एंड हम लोग को आराम से टोकन भी ज्यादा मिल जाते हैं। तो चलो जल्दी से परचेस किया जाए। 13 क्रेट अगर मैं परचेस करूँ तो शायद से हम लोगों को मिल जाएगा थोड़ा सा डिस्काउंट, बट 13 क्रेट से यार हम लोग को सिर्फ 100 डायमंड का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सीधा 50 क्रेट परचेस करूँ ताकि हम लोग को 700 डायमंड का डिस्काउंट मिले। एंड 700 डायमंड से ना हम लोग एनिमेशन भी तो अनलॉक कर सकते हैं, ये चीज तो मैं भूल ही गया था यार। तो यहाँ पर सीधा हम लोगों ने 700 डायमंड डिस्काउंट लेके 50 क्रेट ओपन कर रहे हैं। एंड लेट्स सी 50 क्रेट पे हम लोग को टोटल कितने टोकन्स मिले हुए। चलो चलते कस्टमाइज वाले सेक्शन के अंदर एंड ओके 250 टोकन। चलो यार सही है, ये बहुत सही डिसीजन था, फटाक से एक्विप कर ले जाए। एंड इन दोनों एनिमेशन को ओके, जब हाथ में गन लेगा तो कैसा एनिमेशन आएगा, किल करने के बाद ये ड्रैगन वाली एनिमेशन आएगी ठीक है। एंड ये रनिंग वाली एनिमेशन है क्या, ये क्या है भाई, ओके ये रनिंग वाली एनिमेशन, रनिंग वाली एनिमेशन पीठ के पीछे से कुछ ऐसे निकलेगी यार। ये सब पता नहीं, ये सब एनिमेशन पहले से बहुत सारे बंडल में आ रहे हैं यार, क्या बया पास दिया है गाइस इन लोगों ने, एनिमेशन भी डंग का नहीं है भाई, ये लिटरली छपरी बंडल है भाई। बोले तो हमारे न्यू करेक्टर कंप्लीटली आते के साथ छपरी बन चुके हैं यार। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ये करेक्टर आप लोगों को कैसा लगा है, एंड साथ में इस करेक्टर के ऊपर ये जो बंडल मैंने पहनाया वो कैसा लगा। तो यार हमारी वीडियो ऑलमोस्ट बन चुकी थी कि मेरे को पता चलता है मोको स्टोर अवेलेबल हो चुका है। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो मोको स्टोर में ये बंडल्स मिल रहे हैं। ओके बंडल नॉट बैड नॉट बैड, सही है। एंड बोनस प्राइस में मेरे पास सब कुछ है तो चलो इसी को ले लेते हैं यार, इसके बदले नेम चेंजिंग कार्ड दे था नुबड़े ज्यादा अच्छा रहता। चलो गाइस देखते हैं क्या मोको स्टोर पे पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोग को तीसरे स्पिन या फिर दूसरे स्पिन पे ये बंडल मिल पाता है फिर नहीं मिल पाता है। तो हम लोग यहाँ पर स्किप करने वाले हैं। ओके यहाँ पर हम लोग को मिल चुका है स्कैनर एंड लेट्स सी। ओके कुछ तो मिला है गाइस, प्लीज बंडल, भाई ये क्या था, अबे गाइस दूसरे स्पिन पे सीधा बंडल यार, लिटरली मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर भाई, सीरियसली दूसरे स्पिन पे बंडल मिल गया यार, और क्या चाहिए गाइस। भाई ऐसा लक अगर रहना हमारा तो भाई मजा ही आ जाए, देखो ऊपर भी आ रहा नाम एमडीएस भाई ने, वो बंडल जीत लिया, क्या बात है यार। एंड हाँ गाइस वो गुस्से वाली इमोट तो हम लोगों ने निकाली नहीं भाई, इस भैया पास को देखने के बाद मेरे को तो गुस्सा आ रहा है यार, मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि इस बार ना इन लोगों ने मेहनत नहीं किया भैया पास पे और बंडल इतने अच्छे नहीं दिए, तो क्यों ना इस वाले गुस्सा इमोट को निकाल कर गैना वालों को अपना गुस्सा दिखाया जाए। तो चलो जल्दी से इस वाले इमोट को भी निकालते हैं। ओके लेट्स सी हम लोगों क्या लास्ट में मिलती है, फिर सस्ते पे ये गुस्सा वाला इमोट मिलेगी, अगर सस्ते में मिल गई ना मजा आ जाएगा यार, नहीं मिला भाई ये सस्ते में नहीं देने वाले, बट चलो यार गुस्सा तो दिखाना है गाइस हम लोगों को गैना वालों को। भाई जिस तरीके से लोगों ने भैया पास दिया ना बिल्कुल पसंद नहीं आया, आतू यार बाकी जो आइटम्स है वो ठीक ठाक है एंड भैया पास के अंदर जो करेक्टर दिया है वो भी बहुत सही, क्योंकि करेक्टर का प्राइस आप लोगों को पता होगा 400-500 डायमंड लगी जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करेक्टर दिया नॉट अ बैड डील, बट बंडल यार अच्छा देना चाहिए था। ओके यहाँ पर बस दो ही रेयर आइटम बचे हुए, तो क्या लगता है हम लोगों को ये दोनों में से कौन सा आइटम पहले मिलने वाला है, सबको जवाब पता ही होगा भाई। अच्छा तीन आइटम बचा हुआ अभी भी यार, मैंने ये देखा ही नहीं भाई, अलग ना सब फुक के बैठा हूं मैं इस बंडल को देखने के बाद ना यार, मैं भी नशेड़ी हो गया हूं। वाह अबे ये बंडल नशेड़ी है ही भाई, मेरे को भी नशेड़ी बना गया ये।
तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रोजा की स्किन मिल चुकी है, बेसिक गन की स्किन है शायद से, क्योंकि यहाँ पर लेजेंडरी तो ये किसी एंगल से नहीं लग रही। हाँ देखो एट्रीब्यूट देख के अच्छा लेजेंडरी है, डबल एक्यूरेसी एंड डैमेज सिंगल है, चलो ठीक है, फेडेड विल भी इतना बुरा नहीं यार। एंड यहाँ से हम लोगों को मिल चुकी है एंग्री वाक की ये इमोट, चलो जल्दी से गरीना वालों को गुस्सा दिखाया जाए। तो इसको मैं इक्विप करने वाला हूँ इससे, एंड चलो गाइस ये रहा गरीना वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी है ऐसे गोबर से भैया पास को दे दीजिए, ये लो हम गुस्सा है तुमसे। छोटी बच्ची हो क्या यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो जो लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। एंड हाँ, इस फैशन शॉप के अंदर से भी हम लोगों ने कुछ चीजें नहीं निकाली है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस फैशन शॉप के अंदर से भी ये गंजी वाली जो बंडल निकल कर सामने है उसको निकाल ली जाए। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये परचेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, दो बार हम लोग स्पिन कर पाएंगे इनक्यूबेटर रॉयल पे। रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या इस बार हम लोगों को कोई और रॉयल वाउचर मिलेगा? ओके एक और रॉयल वाउचर मिल चुका है, चलो जल्दी से एक और रॉयल वाउचर को परचेस कर ली जाए। फिर से देखते हैं एक और रॉयल वाउचर मिल जाए तो मजा आ जाए। आई थिंक सो वेपन रॉयल वाउचर बचा हुआ है, चलो वेपन रॉयल वाउचर भी मिल गया। एंड गाइस यहाँ से ये सारे आइटम मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला, क्योंकि इनमें से ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो कि मेरे पास नहीं है, बस मैं बंडल लूंगा और पहली फुर्सत से निकल लूंगा। चलो बंडल अपन लोगों ने ले लिया, सक्सेसफुली परचेज अपन लोगों ने कर लिया इस बंडल को। तो यार ये थे ओवरऑल भैया पास के आइटम्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप लोग को ये भैया पास कैसा लगा, एंड साथ में ये करेक्टर की एबिलिटी कैसे लगी। यार देखा जाए करेक्टर की एबिलिटी बहुत सही है, आप लोग लिटरली टेलीपोर्ट कर सकते हो, तो मेरे को ये करेक्टर की एबिलिटी भी बहुत सही लगी। तो चलो यार वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, मैं मिलूंगा किसी और दिन किसी और ने वीडियो के साथ, तब तक फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून।